राजस्थान कांग्रेस में वर्चस्व की लड़ाई अंतिम मुकाम पर पहुंच गई है। प्रदेश की सियासत पिच के दो खिलाड़ी सीएम अशोक गहलोत और सचिन पायलट के बीच शह मात का खेल जारी है। 21 मई को अजय माकन जयपुर आ रहे हैं। कांग्रेस आलाकमान के सख्त निर्देश के बाद बयानबाजी इन दोनों नेताओं के बीच भले ही बंद हो, लेकिन खींचतान कम नहीं हुई है। अशोक गहलोत और सचिन पायलट खेमों के बीच शह मात का खेल चल रहा है। कांग्रेस सूत्रों के अनुसार 21 मई को प्रदेश कांग्रेस प्रभारी अजय माकन जयपुर जा रहे हैं और इस दौरान माकन दोनों नेताओं से मिलकर सियासी खींचतान पर बातचीत कर सकते हैं। प्रदेश में लंबित राजनीतिक नियुक्तियों, जिला और ब्लॉक अध्यक्षों की नियुक्तियों पर विस्तार से चर्चा कराने वाले दिनों में फैसले का ग्राउंड भी तैयार किया जा सकता है। राज्य में तीसरी राजनीतिक नियुक्तियों की सूची का भी इंतजार किया जा रहा है। प्रदेश प्रभारी अजय माकन जयपुर के कोटपुतली में 21 मई को आजादी की गौरव यात्रा की सभा को संबोधित भी करने वाले हैं। हालांकि असल वजह इस खींचतान को मिटाने की कवायद ही बताई जा रही है। अजय माकन सीएम अशोक गहलोत और सचिन पायलट से मिलकर माहौल को सहज बनाने की कवायद में जुटेंगे, ऐसा सूत्रों का कहना है। सीएम अशोक गहलोत मुंबई दौरा समाप्त कर राजधानी जयपुर लौट आए हैं और अशोक गहलोत की एक सप्ताह में दो बार मुंबई दौरे से सियासत के जानकार अचरज में हैं। आखिर सीएम गहलोत अचानक बार बार मुंबई क्यों जा रहे हैं? बीजेपी का आरोप है कि सीएम अशोक गहलोत की कुर्सी खतरे में है, इसलिए मुंबई जाकर सियासी मैनेज करने में वो जुटे हुए हैं। सीएम के मुंबई जाने के पीछे वजह कुछ भी हो, लेकिन प्रदेश कांग्रेस में अंदर खाने खींचतान बढ़ती जा रही है। कांग्रेस आलाकमान की सख्ती के बावजूद दोनों नेता खामोश हैं, लेकिन समर्थक एक दूसरे पर निशाना साध रहे हैं। डेप्यूटी सीएम सचिन पायलट प्रदेश में सियासी दौरे कर अपने समर्थकों को मुखर होने का संदेश भी दे रहे हैं। हाल ही में अजमेर में गहलोत पायलट समर्थक आमने सामने हो गए थे। आजादी की गौरव यात्रा का अजमेर में भव्य स्वागत कार्यक्रम के तहत सफल आयोजन करने की तैयारी को लेकर प्रभारी मंत्री महेंद्रजीत सिंह मालविया की बैठक में अशोक गहलोत और पायलट ग्रुप की खींचतान खुलकर सामने आ गई थी। सचिन पायलट समर्थक कार्यकर्ताओं ने अजमेर में गौरव यात्रा के दौरान सचिन पायलट को बुलाए जाने का प्रस्ताव रखा। जवाब में गहलोत समर्थकों ने भी सीएम अशोक गहलोत को बुलाए जाने का प्रस्ताव रखा। कांग्रेस नेता मुजफ्फर भारती ने पायलट को बुलाने की मांग की। पूर्व विधायक नाथुराम सिनोदिया ने सीएम अशोक गहलोत को बुलाने का प्रस्ताव रखा। भारती की वोटिंग करने के प्रस्ताव का विरोध करते हुए सिनोदिया ने कहा कि वोटिंग करवानी है तो बीजेपी के खिलाफ करवाई जाए, अजमेर में हार का सामना नहीं करना पड़ता। जल संसाधन मंत्री महेंद्रजीत सिंह मालविया के हस्तक्षेप के बाद मामला सुलझा। उल्लेखनीय है कि राजस्थान विधानसभा चुनाव 2023 के अंत तक होने वाले हैं। कांग्रेस आलाकमान का फोकस राजस्थान पर है। सचिन पायलट ने गुरुवार को नई दिल्ली में सोनिया गांधी से मुलाकात भी की थी और पायलट की मुलाकात से एक दिन पहले सीएम अशोक गहलोत सोनिया गांधी से मिले थे। पायलट ने कांग्रेस आलाकमान से मुलाकात के बाद दिल्ली में प्रेस वार्ता पर कहा था कि राजस्थान कांग्रेस के हालात पर सोनिया गांधी को अवगत करा दिया गया है। पार्टी 2023 के चुनावों में एक बार फिर से जीत हासिल करेगी, लेकिन कांग्रेस के अंदर ही खींचतान का ये खेल चलता रहा तो पार्टी के लिए बड़ी मुश्किल हो सकती है। वीडियो डेस्क amarujala.com। डाउनलोड करें अमर उजाला ऐप और पाएं खबरें लगातार। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।